हाय नमस्कार। सो कभी कभार एक कहावत होती है चिराग तले अंधेरा। खैर हमारे साथ अंधेरा नहीं था, लेकिन मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ और मैंने आपको यूपी के तकरीबन सारे कॉलेज दिखाए हैं। मैंने आपको कई बार कहा कि मैं यूनाइटेड प्रयागराज नहीं गया अभी तक। मैं हेरिटेज वाराणसी के नए कैंपस में नहीं गया और नारायण कानपुर नहीं गया। बाकी मैंने यूपी के तकरीबन सभी कॉलेज में पर्सनली विजिट किया है, सबके वीडियो बनाए, लेकिन शारदा और सुभारती का कभी नहीं बनाया। क्योंकि समटाइम ना वो होता ना, जो मैंने कहा कि घर के लगता है कि वो तो सभी को पता है, जबकि आप में से कई लोग हैं जो दिल्ली में नहीं रहते हैं मोस्टली लोग। तो ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, जाम मुश्किल, क्योंकि आपको पता है कि मैं अब ठीक तो हो गया हूँ 80% 85%, बट अभी चलने में थोड़ी तकलीफ है। मतलब इसलिए मैं खड़ा होना बहुत मुश्किल है, इतना लंबा चलना। और ये जो आपको मैं झलक दिखा रहा हूँ, ये शारदा यूनिवर्सिटी की है। फिर मैं आपको मेडिकल कॉलेज ही भाषा दिखाऊँ, जस्ट टू टेल यू दी यू नो साइज ऑफ दी ग्रुप। तो शारदा इज़ ए वेरी फेमस यूनिवर्सिटी, आप खूब इनकी टेलीविजन में ऐड देखते होंगे। और जैसे अमेठी यूनिवर्सिटी चल रही है, वैसे शारदा चल रही है। और अभी हमने शारदा को बाहर से देखा और अब मैं गाड़ी घुमा के आपको इनका मेडिकल कॉलेज दिखाऊँगा और फिर हस्पताल दिखाऊँगा। तो शारदा देखिए एक ग्रेटर नोएडा में एरिया है जिसको हम नॉलेज पार्क बोलते हैं या इंस्टीट्यूशनल एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर मेजोरिटी ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, दैट मीन्स रेजिडेंशियल काफ़ी कम है। लेकिन चूँकि शारदा बहुत पहले आ गया था 2008-09 में, जब ग्रेटर नोएडा नया नया बस रहा था, तो उसकी वजह से जो इनका अस्पताल है और जो ग्रेटर नोएडा के रहने वाले लोग हैं वो भी इस अस्पताल का इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर रेगुलर ट्रीटमेंट्स। जनरली आप इसके आसपास का एरिया देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि ये एक ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर एक एरिया का नाम ही नॉलेज पार्क बोलते हैं और ये वहीं पर बसाया गया था। और अभी तक आपने देखा तो राइट हैंड साइड पे जो लाल ईंटें हैं वो सब शारदा यूनिवर्सिटी ही चल रही थी, काफ़ी बड़ी, राइट। तो काफ़ी बड़ा कैंपस है। तो जस्ट टू क्विकली टेल यू वंस अगेन, उत्तर प्रदेश एक ओपन स्टेट है जहाँ पर इस समय 32 प्राइवेट कॉलेज हो गए हैं, जब से लास्ट ईयर SKS मथुरा खुला था, जिसमें 5 माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं और 27 हैं जो नॉन माइनॉरिटी हैं, जिसमें फीस हॉस्टल मिला के अपना काम 70 लाख तक में हो जाता है। उन्हीं में से एक है शारदा। और अगर आप कट ऑफ की बात देखेंगे, हमेशा शेरा मूर्ति बरेली के बाद सेकेंड हाइस्ट कट ऑफ इसकी जाती है, क्योंकि डज इट डिज़र्व टू बी दैट नंबर टू यूपी के कॉन्टेक्स्ट में? यस, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो बाकी यूपी के कॉलेज हैं वो इतने ख़राब हैं आफ्टर पहले 14 कि भाई ये तो अच्छे भी गिना जाएगा। हाँ, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाए तो इससे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, अगर आपके उतने मार्क्स हैं जितने मार्क्स में आपको शारदा में एडमिशन मिलता है। तो शारदा में भी आपको कम से कम अब 500+ स्कोर चाहिए होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ आई थिंक दिल्ली वालों के लिए जो सबसे नियरेस्ट कॉलेज पड़ता है वो ये पड़ता है। अल्फला भी थोड़ा कहने को फरीदाबाद में है, अमृताब आ गया फरीदाबाद में। प्योर दिल्ली में तो हम जानते हैं ना, सरकारी के अलावा खाली एक हमदर्द है जो 550+ जाता है। और दिल्ली के उस तरफ फिर झज्जर का पड़ता है वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर और NC पानीपत, ये है जो दिल्ली के नियरेस्ट है। फिर एक तरफ हापुड़ लग जाता है, बट ये चूँकि ग्रेटर नोएडा ही है तो बहुत पास में पड़ता है। अब हम यूटर्न लेके आए ताकि हम आपको कॉलेज के सामने से गुजारूँ मैं। तो कॉलेज पुराना हो गया, अब तो UG PG सब तरह का कोर्स चल रहा है। अच्छी लोकेशन में कॉलेज है तो फैकल्टी को हायर करना, फैकल्टी को रिटेन करना इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, दे मेंटेन क्वालिटी। जैसा मैंने कहा कि ग्रेटर नोएडा एक प्रॉपर चलता हुआ शहर है, तो आपको लोकेशन में उसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट के लिए हर तरह की आसानी है। फीस काफ़ी जैसा हमने बताया रीज़नेबल है, उसकी वजह से कट ऑफ ऊपर चली जाती है और हर तरह का क्लिनिकल PG होता है यूपी में। क्योंकि हम स्टार्ट कर ही चुके हैं 2024 के एडमिशन सीज़न, तो एज ऑफ 2023 का रूल मैं हमेशा समझाता हूँ, यूपी एकमात्र स्टेट है जिसमें फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट नहीं होता। अब इसका मतलब क्या होता है फ्री एग्जिट का? देखिए हरियाणा में क्या होगा कि पहले आपसे सिर्फ 2000 रुपये ले लिए जाएंगे राउंड वन से पहले, जैसे अभी कर्नाटका में 2500 रुपये लिए गए। अब उससे क्या होता है कि आपके मार्क्स लेट से आप बिल्कुल भी प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते। मोस्ट परिवार ऐसे होते हैं नंबर आए 500 550, लेकिन आप चॉइस फिलिंग कर देते हो, आपको सीट अलोकेट हो जाती है, ज्वाइन आप करते नहीं हो क्योंकि वो 11-12 लाख रुपए फीस भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उससे सीट ख़राब होती है।
उस राउंड में, है ना, और जो एक्चुअली तैयार थे फीस देने को उनको अलॉटमेंट ही नहीं मिलती, फिर राउंड टू में मिल जाती है, क्योंकि राउंड टू में कहीं भी हिंदुस्तान में फ्री एग्जिट नहीं है। पर उत्तर प्रदेश एकमात्र स्टेट है जहाँ राउंड वन में ही फ्री एग्जिट नहीं है, और ये डिपॉजिट भी 2 लाख जमा कराते हैं, जो बाकी मोस्टली जगह लाख रुपये होता है। MCC 2 लाख कराती है, और अब लास्ट ईयर राजस्थान ने भी 2 लाख कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि राउंड वन में भी यूपी में चॉइस फिलिंग वही करेगा जिसको सीट लेनी है, समझदार वही होता है। तो इसलिए यूपी में राउंड वन में ही काफ़ी एडमिशन्स हो भी जाते हैं, और यूपी में आपको जो भी मिलना है वो राउंड वन में मिल जाएगा। राउंड टू अक्सर कट ऑफ ऊपर जाएगी अदर देन माइनॉरिटी कॉलेजेस, क्योंकि जो माइनॉरिटी की सीटें बची होती हैं वो आपको राउंड तीन में मिलती है। तो हम आगे थे तो हमने लेफ्ट लिया था ना, अब आप लेफ्ट में देखें भी तो यूनिवर्सिटी चल रही है, उसकी वजह से काफ़ी हलचल रहती है। और अंदर तो मैं होके आया था, लेकिन देखिए लेफ्ट में जैसे ये मेन रोड, जैसे अगर आपने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज देखी हैं, अमेठी वगैरह, उस लेवल की यूनिवर्सिटी है, चलती यूनिवर्सिटी है, बच्चे खूब हैं यहाँ पे, तो पैसे की कमी नहीं है ग्रुप के पास, दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज। और अभी लेफ्ट में आएगा, देखिए आपको पता ही यहाँ पर मेडिकल कॉलेज डेंटल दोनों चलते हैं, और ये शारदा का अस्पताल अब आना शुरू हो गया, पीछे अभी शारदा मेडिकल कॉलेज निकल गया है, बाहर से देखा हमने। और जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अस्पताल का पता चल जाता है कि बाहर कितनी गाड़ियाँ और कितने ऑटो खड़े हैं जो पेशेंट्स को लेकर आ रहे हैं। हम अभी भी 11:30 पर ही घूम रहे हैं। तो लेफ्ट में देखिए तो ये आपको अस्पताल का सीन नज़र आ रहा है, ये शारदा का अस्पताल है जो कि प्राइवेट में इसका ठीक ठाक नाम है, ग्रेटर नोएडा के सर्कल में। ऑफ कोर्स देखिए ग्रेटर नोएडा दिल्ली से लगता है, तो किसी को अगर बड़ा ऑपरेशन करना है तो वो ऑफकोर्स दिल्ली में ही अपोलो गंगाराम जैसे हॉस्पिटल में जाना ही पसंद करेगा, है कि नहीं। तो इस समय ये देखिए अब लोग आ रहे हैं हर तरीके से, और ये पूरा अस्पताल की बिल्डिंग आपके लेफ्ट में भी निकली, ठीक है। तो ये है आपके लिए शारदा की विज़िट, बेस्ट ऑफ विशेस, बेस्ट ऑफ लक 2024 एडमिशन सीज़न। और मैं हमेशा इच्छा करता हूँ कि भगवान करे आपको वो सीट मिले जहाँ आप जाना चाहते हैं, जो आप लेना चाहते हैं। ये ढाबों से पता चलता है कि अक्सर जो आपको खाते पीते नज़र आ रहे हैं ये वही लोग होंगे जो यहाँ पर इलाज कराने आए थे। और बस हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप जानते ही हैं 9643362320, इस नंबर पर संपर्क कीजिए और हम आपकी काउंसलिंग में हेल्प करेंगे। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय।